सब लोग गए मंदिर अपनी खुशियां मांगने, लेकिन जब भी वापिस आएंगे तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा अपना चुराया हुआ सामान मांगने। चल बेटा 420 हो जा शुरू। बालवीर अभी तक नहीं लौटा है, पता नहीं क्या सोचा है उसने। चित्र खींचू यंत्र से न जाने क्या योजना बनाई है उसने। खुश रहो माँ, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। बालवीर आप थे कहाँ, इतना समय हो गया, यहाँ सारे परिया मुसीबत में हैं और आप चित्र लेने गए थे। आखिर आपकी योजना क्या है बालवीर? माँ माँ, मैं जो भी कर रहा परियों को बचाने के लिए ही कर रहा। मैं जानता हूँ कि जब तक वो सुनहरा ताला उस कैद खाने पे लगा है, परियों को बचाना असंभव है। लेकिन ये मेरा वादा है आपसे माँ कि मैं अपनी योजना से जल्दी उस सुनहरे ताले को भी लेकर आऊंगा और परियों को भी। लेकिन कैसे बालवीर? माँ वो मैं आपको बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा, और उसके लिए आपको मेरे साथ परी मैदान में चलना। ठीक है चलो। महेश की माँ के ताऊजी है तो इस हिसाब से आप महेश के नाना ताऊजी हुए। क्या हुआ, गला दुख रहा है, दबा दू? महेश और पूरा परिवार मंदिर गए हैं दर्शन करने, अभी आते ही होंगे। आप बैठिए, यहाँ नहीं, आप अंदर बैठिए, मैं भी अभी आता हूँ। जी 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 जी, हाँ मजा आ गया दर्शन करने का। आराम से बेटा, आराम से बेटा। नमस्ते, बहुत गलत हक पे आ गए हो। सही सही, बहुत सही वक्त पे आ गए हो तुम सब। तुम्हारे बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर ये बॉस का बच्चा यहाँ नहीं आता तो मैं आराम से यहाँ से निकल चुका होता। अरे अमृतलाल जी, आप जानते हैं आपका बेटा कितना होनहार है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना काबिल है, कितना पता है? आपको कैसे पता? आपने ही तो बताया अभी। ये देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, प्रमोशन की चिट्ठी, और अपने हाथों से देने के लिए अपने पैरों पर चलकर आया। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके पैर कहाँ है? कहाँ है? हा? नीचे नीचे नीचे। अजीब पागल आदमी हो आप, बचपन में पागल खाने में गए थे क्या? अभी अभी वहीं से आ रहे हो, या फिर तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा है इसलिए तुम्हारे बाल खड़े हो गए हैं? अरे अरे अरे, चार कर क्या रहे हो तुम, संभाल के। डूबा डूबा एक, डूबा डूबा चार, इन पुतलों की अच्छे से निगरानी करना। और हाँ ध्यान रहे, इनके कपड़े खराब नहीं होने चाहिए। जी नटखट परी। अरे वाह बालवीर, आप तो कह रहे थे कि आप छह लोग सिर्फ चित्र लेने चाह रहे, लेकिन आप तो सारी परियों को छुड़ा कर लेकर आए। वाह बालवीर, हम अभी जाकर उनसे बात करते हैं। भटकाती परी, गाल परी। माँ रुकिए, वाव की आवाज सुनकर यहाँ नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है वो असली परियां नहीं है बल्कि वो परियों के पुतले हैं। हाँ,
पुतली, लेकिन क्यों? ये सब क्या चल रहा है बालवीर? माँ, ये सब छल परी से परियों को बचाने की योजना का एक हिस्सा है। हम कुछ समझे नहीं, इन पुतलों के साथ आप क्या करेंगे? आपकी आपकी योजना क्या है बालवीर? छलेंगे छल परी को बाल परी, जैसे आपको दूर से ऐसा लगा कि ये असली परियां हैं, बिल्कुल उसी तरह छल परी को भी दूर से यही लगेगा कि ये सब असली परियां हैं, जो उसके कैद खाने से छूट गई और वापस परीलोक की ओर जा रही। और फिर छल परी घबराहट में अपने कैद खाने पे लगे सुनहरे ताले को खोल देगी, ये देखने के लिए कि परियां सच में भागी है या नहीं। और अंदर उसे जो दृश्य दिखेगा वो उसका बनाया हुआ कैद खाना नहीं होगा, बल्कि वो होगा नटखट परी का बनाया हुआ कैद खाने का चित्र। हाँ बाल परी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। डूबा डूबा दो, डूबा डूबा तीन, बालवीर, आपकी ये योजना तो बहुत ही अच्छी है। बालवीर, अब हमें पूरा भरोसा है कि आप और नटखट परी मिलकर हमारी परियों को और उस सुनहरे ताले को छुड़ा कर ले आएंगे। शाबाश बालवीर। शुक्रिया माँ। अरे जी, आप क्या बोल रहे हैं? और नहीं तो क्या कहूँ, डाक से नहीं भेज सकते थे लेटर, खुद आने की क्या जरूरत थी? ये अगर आए नहीं होता तो अब तक तो मैं भाग चुका होता। क्या मतलब? मेरे जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं थोड़ा भागना चाहता था, जॉगिंग जॉगिंग रनिंग। अब लेकिन महेश, तुम्हारे ये मेहमान है तो इन्हें अकेले छोड़ के कैसे जा सकता था, इसलिए इनको कंपनी देने के लिए मैं यहाँ रुक गया, क्योंकि मेहमान भगवान होता है। भगवान, इस भगवान का बुरा मत मानना, थोड़े जज्बाती हैं, और सर दिल के बुरे नहीं है। महेश महेश, मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य दिल का बुरा हो ही नहीं सकता, पर दरअसल इनकी बात भी सच है। यहाँ आने की एक और वजह है, और वो ये कि मैंने अपनी पत्नी के लिए एक कीमती अंगूठी खरीदी है। मैं स्मिता भाभी को ये अंगूठी दिखाना चाहता हूँ ताकि वो मुझे बताए कि मेरी पत्नी को ये अंगूठी पसंद आएगी या नहीं। अरे सर, जेवर और औरतों को पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कीमती अंगूठी तो मुझे भी पसंद आ गई है। अंगूठी कहाँ गई? कुत्ते ने खा लिया। डुबाई, जैसे ही छल परी हमारे सामने आएगी, तुम ये रथ उससे थोड़ी दूर पीछे की ओर खड़ा कर देना, और इस रथ को ऐसे खड़ा करना कि छल परी को परियों के चेहरे दिखाई ना दे, ठीक है? है ठीक बालवीर, करूंगा मैं ऐसे ही। डुबा डुबाई, ये लो सफेद मोती। जब छल परी तुम्हारे पीछे आएगी हा? तो तुम कहीं दूर जाकर इस मोती को अपने मुंह में रख लेना, तुम्हारे ऐसा करते ही तुम सीधे परीलोक पहुंच जाओगे। शुक्रिया नटखट परी, और बालवीर तुम रखना तुम भी अपना और नटखट परी का ख्याल। ठीक है, चलिए नटखट परी, चलो।
सर आप ठीक है? महेश सॉरी सर, सॉरी हाँ मैं ठीक। अरे मैं अभी भी यहीं पे हूँ। ये कुत्ता मेरी अंगूठी निकल गया। सॉरी सर, उसे कुत्ता मत कहिए, उसका नाम ढोकला है। अरे ढोकला नहीं, ये ठग है, ठग। अरे मेरी कीमती अंगूठी निकल गया है ये कुत्ता। अरे क्या कीमती लगा रखा है, इतनी सी तो अंगूठी थी, उससे तो इसका पेट भी नहीं भरा होगा। अच्छा इतनी सी अंगूठी थी हा? तो क्या तुम इसे रोज सोने की ईंट खिलाते हो? हाँ। अरे क्या हा? अरे महेश कैसे लोगों को तुमने घर में पना दी है? सर प्लीज। अरे क्या प्लीज अरे ऐसे लोगों को तो गांव में रहना चाहिए, गांव में। इनका तो काम ही ये है कि शहर में आते हैं और दूसरों का माल हजम कर लेते हैं। राम नाम जपना, पराया माल अपना। शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है, तुम्हारी वजह से। सर आपको इन्हें तुम नहीं आप कहना चाहिए, ये हमारे बुजुर्ग। बुजुर्ग नहीं, धरती का बोझ है, धरती का बोझ। बुजुर्ग है तो क्या मेरी अंगूठी निकल जाना चाहिए तुम्हें? अरे अंगूठी मैंने नहीं निकली, ढोकले ने निकली है। अरे ढोकला कहो, खमण कहो, फरसान कहो, सब एक ही बात है, एक ही बात। जानता हूं मैं तुम लोगों को, तुम तो है ना बड़े बड़े चलाक हो, चोर। मैं इसे जेल भिजवाऊंगा, जेल। सर अब अगर आपने हमारे ताऊजी के खिलाफ एक भी शब्द कहा, मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बॉस हैं। महेश, तुम भी इस अनपढ़ गवार देहाती का साथ दे रहे हो? सर आप जिन्हें अनपढ़ गवार देहाती कह रहे हैं ना, वो हमारे बुजुर्ग हैं, अतिथि हैं, और अतिथि के सम्मान की रक्षा करना हमारा फर्ज है, और यही हमारे घर के संस्कार है। इसलिए आप हमारे अतिथि का अपमान नहीं कर सकते। आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी मेरी। सर आप मुझे बोनस मत दीजिए, जब तक आपका नुकसान पूरा नहीं होता तब तक आप मेरी सैलरी में से पैसे काटते रहिए, और सर ब्याज भी ले लेना। अच्छा ब्याज भी ले लेना, पगार काटना, ये सब तो तब होगा ना जब तुम्हारी नौकरी रहेगी। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकाल देता। कल से मेरी ऑफिस में कदम तक नहीं रखना। ये लो तुम्हारी नौकरी, हटाओ। अरे ताऊ जी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं तो ठीक हूं, लेकिन महेश बेटा तुमने मेरे और मेरे ढोकले की वजह से तुम्हारे पूरे परिवार के सपने तोड़ दिए। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा बोनस सब जाने दिए। ताऊ जी नौकरी पैसा एक बार गए ना तो वापस आ सकते हैं, लेकिन सम्मान एक बार गया ना तो कभी वापस नहीं आता। मैं अपने बॉस की ओर से आपसे माफी मांगता हूं। अरे नहीं 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 महेश बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे और ढोकले की वजह से तुम्हारी नौकरी गई, तुम्हारा प्रमोशन गया। माफी मांगने वाली हरकत तो हमने की है। बेटा तुम मेरी वजह से अपना पगार मत कटवाओ, मैं तुम्हें कैसे भी करके पैसों का बंदोबस्त करके दे दूंगा। तुम वैसे ही रिंग खरीद के अपने बॉस को वापस दे देना। नहीं नहीं ताऊ जी, आप हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। ताऊ जी आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अतिथि हैं, और उससे भी बढ़कर आप मेरी माँ के ताऊ जी हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा, आप बस जाके आराम कीजिए। जाइए आप आराम कीजिए।
परी या छल परी तो नहीं, वो कोबा कोबा और तोबा तोबा है। हाँ बालवीर, और मेरे बनाए हुए चित्र को लगाने के लिए इन दोनों को यहाँ से हटाना होगा। ये तो बहुत आसान है छल परी, क्योंकि बुराई की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लालच। समझ गई बालवीर। लड्डू गोपा गोपा, क्या है देखा तुम्हें? वही जो देखा मैं, गड़दुम दगड़दुम दगड़दुम। तुम्हारा पता नहीं, पर मेरे सामने दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी। आग पे क्यों मारता है? इधर देख। अरे वाह दगड़दुम लड्डू। तोबा तोबा, ये खाली नहीं पकड़ सकते। तू पकड़, ना पकड़ के। अब आप अपना बनाया हुआ चित्र यहाँ लगा दीजिए। हाँ बालवीर। नटखट परी, अब समय आ गया है छल परी को बुलाने का। हाँ बालवीर, लेकिन उससे पहले तौबा तौबा और गोबा गोबा को ये बेहोशी वाले लड्डू खाने देते हैं। बेहोशी वाले लड्डू? हाँ बालवीर, जब तक ये दोनों बेहोश नहीं होंगे छल परी कैसे मानेगी कि हमने सचमुच में परियों को आजाद करा लिया है। नटखट परी, अगर आप मेरे साथ नहीं होती तो मेरी ये योजना कभी सफल नहीं होती। गोपा गोपा, अरे मारे मुझे लात। लात छोड़ लड्डू। गोपा थाली, लड्डू की थाली। नटखट परी, अब मैं अपना कार्य पूरा करता। हाँ बालवीर। हे विजदार परी, जीतना है अच्छाई को बुराई को हटा के, होने लग जाए यहाँ छल लोक में बहुत सारे धमाके।